हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी की दुआओं से, आप और भगवान की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। और अभी शाम के 6 बजे हैं और आज ना सूरज गया है शादी में और उसने मना कर दिया कि हम खाना नहीं खाएंगे शाम को, मतलब शादी में गया हुआ है इसलिए। तो सूरज नहीं है तो मैंने सोचा चलिए आज बेसन और सूजी के चीला बनाते हैं, क्योंकि ना सूरज ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता है, वो नहीं खाता, मतलब कम खाता है बहुत तो ऐसी चीजें, और बस उसे आप खाना दे दो, बस प्रॉपर खाना चाहिए उसको बस। तो मैंने सोचा चलिए आज सूजी और बेसन के चीला बनाते हैं। तो डिनर में, मतलब डिनर में, क्योंकि फिर इसको खा के फिर तो खाना तो बनना नहीं है फिर, तो सारी तैयारी मैं कर चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना, और लेते हैं आज बेसन के चीला, बेसन और सूजी के चीला का डिनर में आनंद। तो शुरू करते हैं। तो ये लिया है 1 कप बेसन, और ये है 1 कप से थोड़ा सा कम सूजी। ये सूजी हमारी बारीक वाली है। अब इसमें पानी डाल के इसका एक घोल बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि कोई लम्स ना रहे, कोई गांठ वगैरह ना रहे। अच्छे से मिक्स करना है इसको। तो 1 कप पानी हमारा पड़ चुका है, और ये है हमारा दूसरा कप। एक हमें पतला घोल तैयार करना है। तो अभी ये जो है 2 कप पानी में हमारा इतना पतला ये हो गया है। अभी हम इसको ऐसा ही रखेंगे और पतला नहीं करेंगे। अब इसको ना हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक के रख देते हैं, इसको फूलने के लिए सूजी को। तो हम इसको 20 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, सूजी हमारी फूल जाए, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, आप देख लेते हैं इसको कैसा हुआ हमारा ये बैटर। तो ये देखिए सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो ये है नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा है ये, और ये है थोड़ा सा चाट मसाला। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें कुछ हम सब्जियां डालेंगे, आप अपने हिसाब से सब्जियां जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। ये है फूल गोभी कसी हुई, कद्दूकस की हुई, और ये है एक टमाटर, और ये है शिमला मिर्च, ये है गाजर। आप अपने हिसाब से सब्जियां कम या ज्यादा या स्किप भी कर सकते हैं जो इसमें पसंद ना हो। ये है हरी मिर्च, और ये है प्याज। और ये है मटर, सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा बड़े बर्तन में किसी में पलटती हूँ, इसमें मिक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी इसमें हमें थोड़ा सा पानी और ऐड करना है। और ये है थोड़ा सा नींबू का रस, तो मैं इसमें पलट ले रही हूँ इसको। क्योंकि अभी हमें इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करना है। तो
बस इतना पानी हम यूज करेंगे खाली। तो हमारा टोटल पानी इसमें 2.5 कप लगा है। और ये है हरा धनिया की पत्ती, और इसमें आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है, चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। और 7:30 बज चुके हैं, तो भूख भी लगी है जोर से, तो जल्दी से बना लेते हैं। तो हमने गैस पे तवा रख दिया है और इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप कुछ भी डाल सकते हैं, देसी घी, ऑयल, रिफाइंड कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया है, और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें बैटर डालेंगे 2 चम्मच, और इसको फैला देंगे। आप अपने मन के हिसाब से, आप अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियां डालिए, और चाहे नाश्ते में बनाइए, चाहे टिफिन के लिए बनाइए। तो चीला रेडी हो चुके हैं, और चलिए पहले खा लेते हैं गरम गरम, उसके बाद करेंगे और काम। तो आ जाओ आप सभी, और काफ़ी दिनों बाद मैंने आज चीला बनाया है, क्योंकि सूरज ऐसी चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ। क्योंकि जब सभी घर में जितने भी कैंडिडेट होते हैं, और सभी जब मन से किसी चीज़ को खाते हैं, तो उस चीज़ को बनाने का मन होता है। तो सूरज शादी में गया, मुझे कुछ तो बनाना ही था, खाना बनाना था, तो फिर मैंने कहा चलिए ये बना लेते हैं। तो खा लेते हैं, और आप सब भी आ जाइए, और ये हरा धनिया और टमाटर की चटनी के साथ लेते हैं चीला का आनंद। तो चलिए पहले मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।